हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुक इजी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा छोले की सब्ज़ी, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हर इंडियन की फर्स्ट चॉइस होती है राजमा चावल, छोले चावल। तो आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आज इसे हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में भिगोया है, 250 ग्राम राजमा और 250 ग्राम छोले। मैंने इनको ओवरनाइट सोक करके रखा था, अब अच्छे से वॉश करके मैंने इन्हें प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया है। अब 2 कप में यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ बॉइलिंग के लिए, और इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे राजमा और छोले। अब इसको कवर करके बॉयल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें हम मिक्सी के जार में डालकर इनकी प्योरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो प्योरी भी रेडी हो चुकी है और इधर हमारे राजमा छोले भी बॉईल हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। बिल्कुल मैंने इन्हें चेक किया तो बहुत ही सॉफ्ट थे। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने 1 कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी काली इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 काली मिर्च और 2 लौंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, सौटे कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने हींग डालना भूल गई, तो मैंने हींग को अब ऐड कर दिया है क्योंकि अभी मसाले सौटे हो रहे थे। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके रखा था, इसे भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो सबसे पंजाबी छोलों की जो बात होती है, राजमा छोले जो बनते हैं, तो उनके अंदर मेन फ्लेवर जो रहता है वो अनियन को फ्राई कर ऐड करते हैं, पीस कर ऐड नहीं करते, उसका पेस्ट नहीं बनाते। तो ये प्याज जो थी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, उसके बाद मैंने टमाटर की प्योरी को ऐड कर दिया। अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए ना ऐसे ही सौटे करेंगे ताकि इन सारी चीज़ों की महक निकल जाए। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/4 हल्दी पाउडर और 1/4 ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी ऐड की है। कस्तूरी मेथी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सारे स्पाइसेस को हम क्या करेंगे, मसाले को भून लेंगे। बहुत अच्छे से आपने भूनना है जब तक कि इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। तो मैंने अभी गैस का फ्लेम हाई कर रखा है, पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। आपको ना मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। ये देखिए ये इतना अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो रहा है और ऊपर से जो है ऑयल जो है वो भी अलग हो चुका है। तो इसी स्टेज तक आपने क्या करना है, भूनना है। अगर आप इसे सही से नहीं भूनेंगे तो इसके अंदर मसालों की महक रह जाएगी और राजमा छोले के अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छे से भून चुके, तो मैंने अब यहाँ पर सारे राजमा छोले को ऐड कर दिया है। ये देखिए, और जो बॉइलिंग के समय हमने पानी ऐड किया था ना, वही पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब इनको पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से बिल्कुल सब्ज़ी जो है हमारी, मसाले जो हैं आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो राजमा और छोले की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसे सर्व करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आया है, बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाएं। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो राजमा छोले हो चुके हैं तैयार। आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।